हीरा અને કાપડ ઉદ્યોગ તરીકે ધમધમતા સુરતમાં લાખો પરપ્રાંતિયો રોજી રોટી મેળવવા પોતાના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે, પરંતુ કોરોનાથી કાળી છાયા વચ્ચે તમામ બેરોજગાર બન્યા છે। આથી બસ રેલવે દ્વારા તેઓ પોતાના વતન તરફ પ્રયાસ કરી રહ્યા છે અને લોકડાઉન પૂર્ણ થયા બાદ ફરી પરત સુરત ફરશે તેવું જણાવ્યું હતું। लॉकडाउन ने कारण घना दिवस थी सूरत में वसता अलग अलग राज्यों लोग थोड़ा दिवस मे पोता वतन जवा इच्छे छे। ते पैकी आज 1200 लोग ओडिशा जवा पांडेसरा विस्तार में रवाना थी रहा है। श्री गोपीनाथ अने सनातन सर आ बे जना आ तमाम कारीगरों साथे संकलन करीने आज एमने जवा माटेनी व्यवस्था उभी करी छे। सरकार द्वारा जे ट्रेन की व्यवस्था उभी थी जाए ट्रेन में आ लोग आज रवाना थशे अने काले त्यां पोताना वतन में पहुँची जशे। एमने जरा पूछवामां आव्युं कि तमे केटला दिवस जवा तो जे दिवसे कंपनी शुरू करवानी हशे तमे पाछा आवी जशुं एवा एक उत्साह साथे एमने जवाब आप्यो छे। एटले सूरत ने फरीथी धमधमतो करवा माटे आज कारीगरो समयसर पाछा पण आवी जवाना छे। छेल्ला 5-6 दिवसथी सूरत शहेरमांथी जे ट्रेन की व्यवस्था करवामां आवी छे एमां केन्द्र सरकार राज्य सरकार ने आपणा आदरणीय सांसद सी आर पाटिल साहेब द्वारा खूब सारी व्यवस्था जे उड़ीसा भाईओ छे उत्तर प्रदेश झारखंड अने बिहार ना लोको माटे आ ट्रेन की व्यवस्था करी छे। आज भुवनेश्वर जे ट्रेन जवानी छे एमां आज तमे जोई रह्या छो आ पीयूष पॉइंट ओवरब्रिज पर जे बसों की लाइन लागी छे ए जोई छे। बहु शिस्तबद्ध रीते जो उड़ीसा जो भाईओ है कामदार भाईओ बहुत शिस्तबद्ध रीते गाड़ी में बेसीनी ट्रेन में बेसे छे। आटला दिवस थी आटला हजारों की संख्या में गया पण एक पण दिवस आवाज नथी। अने ए लोको एम कहे छे कि भाई ज्यारे लॉकडाउन खुलशे त्यारे अमे सूरत पाछा आवी जवाना छे। एटले बहु स्पष्ट है कि लोको घरे जईने एमना फेमिली ने मळीने आ लॉकडाउन खुले एटले पाछा काम पर आवी जवाना छे। એટલે ખૂબ સારી વાત છે એમના મોઢે સાંભળેલી વાત છે। એટલે આજે જે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે હું આદરણીય સાંસદ સી આર પાટીલ સાહેબને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપીશ કે એમને ખૂબ સારી વ્યવસ્થા કરી છે।